भाई आ गई आ गई आ गई आ गई, फाइनली फाइनली स्नोफॉल शुरू हो गया। भाई ये भाई लोगों, ये देखो चल चल चल, काट दे काट दे काट दे काट दे, बर्फ है ना पीछे, बर्फ है, बस स्केट हो रही थोड़ी गाड़ी, चल चल रही, देख देख बस बस, आराम से आराम से आराम से। कुछ जो यादें अपनों के साथ बनती है ना, उनका कोई मोल नहीं होता। ऐसा सर्द मौसम, हल्की हल्की बारिश, साथ में बर्फ और साथ में यारों का याराना। व्हाट्सअप, इट्स मी शीतल राणा, एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल। तो हिमाचल में काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद फाइनली बारिश, विंटर की बारिश चल रही है, और विंटर की बारिश मतलब यार स्नो। तो आज हम भी जा रहे हैं कहीं स्नो मिल जाए, क्योंकि अभी मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन में हूँ और सोलन से शिमला पास में ही है। तो देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, किस तरह जाएंगे, और होप फॉर द बेस्ट कि आपको अच्छे अच्छे शॉट ना स्नो के दिखा सको, और 2024 की फर्स्ट स्नो मैं भी देखूंगा कि लाइव देखने को मिले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बने रहना इस वीडियो में, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो अगर हमारे आप सब के अपने यूट्यूब चैनल राणा मोटो वर्ल्ड को, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, घंटी को भी ऑन कर लो, और बाहर का मिजाज देख लो भाई एक बार। भाई सामने देख रहे हैं आप, एकदम बवंडर हुआ पड़ा है और बारिश चल रही है भाई। तो निकलते हैं फटाफट से और देखते हैं कहीं मिल जाए ना स्नोफॉल यार 2024 का फर्स्ट। चलो फिर फाइनली दोस्तों, अपने रजेश भाई मिल चुके हैं और हम दोनों निकल रहे हैं अभी बर्फ की खोज में। क्यों भाई, मिलेगी बर्फ? बिल्कुल मिलेगी, नहीं मिलेगी हम वापस नहीं आएंगे, आएंगे नहीं तब तक भाई। और बाहर भाई देख लो, बाहर ये देख लो, ओ भाई साहब, ओ बंद कर बंद कर बंद कर, चल भाई। भाई विजिबिलिटी देख रहे हैं आप, विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर है सारी। क्यों भाई, ओह क्या ही दिख रहा भाई, ओ हो हो, भाई साहब बाहर का मिजाज देख रहे हैं आप। तो फाइनली दोस्तों, अभी ना शो की क्रॉस कर दिया है, बट यहाँ पर भी अभी तक हमें स्नोफॉल नहीं मिली है, और भाई जी परेशान है, स्नोफॉल मिल जाए फाइनली यार, पर वेदर ना एकदम पूरा स्नो वाला हो रखा है, ये देखो आप, फॉर द बेस्ट, मिल जाए जल्दी स्नोफॉल। भाई लोगों, वी आर एट शिमला, बट अभी तक स्नो का कोई नामो निशान नहीं है। भाई क्या बोलता भाई, नो स्नोफॉल, बढ़ जा भाई ऐसा बोल, ओनली वाटरफॉल। बारिश चल रही है, क्योंकि जब से हम निकले हैं रूम से तभी से बारिश चल रही है, और हम तो यही सोच के आए थे कि मतलब स्नोफॉल हो रही होगी शिमला में, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है भाई। वेदर देख लो, ओए उधर है ऊपर हल्की हल्की हुई पड़ी, और यहाँ मैप लगा दिया है हमने ऊपर जाखू टेम्पल, थोड़ी और हाइट की और चलते हैं, मिली जाए स्नो। भाई साहब फाइनली ना, ये देखो आप, हल्की हल्की स्नो आना शुरू हो गई है, ये देखो, यस यस यस, ये देखो विजिबिलिटी भाई, आगे देख रहे हैं विजिबिलिटी 20 मीटर की है, हाथ मार के 20 में नहीं 10-20 मीटर। सामने वाली गाड़ी दिख रही है आपको, दिख रही है वो जा रही है रोड पे भाई, नहीं दिख रही होगी। ए भाई साहब दिख रही कुछ बाबू जी, दिख रहा कुछ? अरे यार कुछ नहीं दिख रहा अभी तक, तो मेरे को बस H4 छपी। अब दिखा भाई हाथ मार के कितनी 20 मीटर की विजिबिलिटी होगी, बट फाइनली ना हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई है, होप फॉर द बेस्ट की ज़्यादा हो जाए। भाई आ गई आ गई आ गई आ गई, फाइनली फाइनली स्नोफॉल शुरू हो गया। भाई ये भाई लोगों, ये देखो
पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट हल्का हल्का स्नोफॉल शुरू हो गया है। यस यस यस। साहब अब देखो नजारा, आप पूरा एकदम रोड भी ना वाइट हो गया। वो देखो ऊपर, उसके ऊपर देख भाई, इस साइड ज्यादा गिरी थोड़ी है ना भाई। देखो रामपुर रह गया 120 किलोमीटर, रामपुर 120 किलोमीटर। ओए बस ये गाड़ी स्किट ना करे, बाकी तो ठीक है काम सारा। क्यों भाई भाई साहब, स्नो ड्राइव देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूं मैं भाई साहब। मतलब ना यहाँ तो एकदम ना गाड़ी भी स्किट हो सकती है पूरी। वो जो फिसलने वाली वीडियोस देखते हैं ना, बस वही माहौल बन रहा है अब। ये देखो, ओ भाई बर्फ देखो, बर्फ मतलब गाड़ी तो पूरी जैसे उतराई में उतारते ना, गियर में चलेगी, गियर में आप एक्स्ट्रा ड्राइव नहीं कर सकते भाई कुछ। पीछे करते बर्फ भी है पीछे, राम राम करते 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 चल 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 काटते 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 बर्फ है ना पीछे, बर्फ है। बस स्केट हो रही थोड़ी गाड़ी, चल चल देख देख, बस बस आराम से आराम से आराम से भाई। रोड की हालत ना बस से बदतर हो रही थी। अभी ऊपर नहीं गए हम कुफरी, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही आ गए, बट जिस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ स्किट कर रही हैं ना आगे भाई साहब, ये देखो इधर इधर देखो, इधर इस साइड पूरा भाई ये देखो, ये तो पूरे रोड पे ना भाई। और देखो बर्फ गिरने शुरू होगी फिर से। ओ भाई बर्फ गिरने शुरू, मेरा फोन पीछे है बड़ा, और फोन। ओ देखो बर्फ गिरना शुरू होगी भाई फिर से, ये देखो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी लाइक जरूर करना, और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और भाई अपने ये देखो राजेश भाई, आ रहा मजा भाई, फर्स्ट टाइम स्नो में ड्राइविंग करके ऐसा लगता है जैसे अच्छे से, तो आप सबको भी अच्छे से दिखाते हैं भाई, मजा तभी आएगा ना। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ना पूरे स्नो के बीचों बीच आ चुके हैं, ये देखो स्नो ही स्नो, और ये देखो फॉर द बेस्ट की जल्दी ही भाई गाड़ी के बाहर ना इतनी ठंड लग रही है ना, क्या ही बोलूं मैं। और गाड़ियां देखो पूरी एकदम, ओए हो भाई ठंड देख रहे, ठंड नेक्स्ट लेवल की भाई, नेक्स्ट लेवल की, हाथ में एकदम देखो, ओ भाई। और ना हल्की हल्की स्नोफॉल, और साथ में बारिश भी, थोड़ी बारिश रुक जाए ना फिर मज़ा आ जाएगा पूरा। और देखो मंकी बाबा, कैसे शिवा भाई इनके ठंड में ना बहुत हमारे हाल, अपना ही बहुत बुरा हाल है भाई। पूरे देख रहे हैं ना स्नो ही स्नो है ये सारी। ओ वो देखो मजे आ रहा है। हाँ वे वो देखो भाई, ये सही डिसीजन था, बाइक देखो कैसे स्किट हो रही। ओ गाड़ियाँ देखो बिल्कुल धीरे धीरे आ रही हैं, ये तो स्किट हो सकती हैं, ये देखो। वो देख रहे हैं इधर टूरिस्ट खड़े हैं वो आगे, और यहीं पे सारों ने गाड़ियां लगा दी हैं भाई। रोड ना देखो हल्की हल्की ब्लैक आइस है रोड के ऊपर, एकदम रिस्की है भाई।
भाई बाहर से ना पूरे बंदे आ रखे हैं और यहीं पे सारे मजे ले रहे हैं भाई स्नो के। ये देखो गाड़ी के ऊपर स्नो। भाई सब वेदर देख लो, वेदर एकदम से गुम हो गया है। मे बी अब स्नोफॉल शुरू हो जाए। और इधर देख लो, अभी थोड़ी देर पहले जो स्नोफॉल हो रहा था ना उसकी वजह से एकदम से वाइट हो गया सारा। और भाई साहब यहाँ पे मज़े ले रहे हैं बंदे मैगी के। सही लग रहा भैया, आ रहा मज़ा? अरे भाई साहब भी खड़े हैं इधर, चाय मिल जाए भाई। ऐसे वेदर में ना चाय और मैगी तो मेरे आगे चाय है, चेस करना है। आजा तेरी और रामा भाई ये ज्यादा दिल कर रहा है चेस करने इनका। कोई गल नहीं, हो भी जानी काम हो भाई, कोई मिठाई उठाना चली था। इतना वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप अदरकाली चाय नाल है, अदरकाली चाय नाल वार्म अप, वार्म अप हो रहा है। ऐसे मौसम में भाई चाय का मजा। ओके ना चाय बढ़िया भैया, जबरदस्त वाली। ऐसा नहीं लोग सोचते थे 20 रुपए है। नहीं नहीं यार क्वांटिटी की नहीं भाई, यही बात नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं यार। बढ़िया दिया भैया, बहुत बढ़िया चाय है यार, चाय बढ़िया बनी पर है, ये एक नंबर है। इतना है नहीं ना। अब तो अंधेरा अंधेरा हो गया सारा। वो एक मैगी पाजी। हेलो जी जी। सारा अंधेरा अंधेरा हो गया। तो फाइनली दोस्तों ना यहाँ पे ना ठंड से ना एकदम फ्रीज हो गए, एकदम अभी रेडी हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे अगर स्नोफॉल होता है ना अच्छे वाला तो फिर से आपको दिखाऊंगा। और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए, वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियाँ स्किट भी कर रही थी स्नो में, क्योंकि रोड के ऊपर स्नो ब्लैक आइस थी हल्की हल्की, और ऊपर बाइक पे आ रहे थे भैया एक ना, वो भी हल्के स्किट करे तो। बट ना ठंड से ना एकदम अब गाड़ी के अंदर आए हैं, थोड़ा ब्लोअर जलाया है तो थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे। और अपने राजेश भाई आया मज़ा, फुल मज़ा। मतलब ये 2024 क्या इस साल की ना ये विंटर की फर्स्ट स्नो थी मतलब यहाँ पे ना। ये अभी मतलब इस बार सीज़न ही लेट है, बर्फबारी ही लेट हुई है तो। और हमने इंजॉय कर लिया और आप सबको भी अपने साथ दिखा दिया यार। यही फन रहते हैं, यही कुछ मोमेंट्स रहते हैं वो जो याद रखते हो ना आप ज़िंदगी में। मज़ा आ गया भाई, आया ना फिर मज़ा बहुत। बाकी अभी चलेंगे और फ़ोन करेंगे, अभी तो अभी टाइम है और मे भी अच्छी खासी स्नो हूँ। फाइनली दोस्तों अपन शिमला क्रॉस करके ना नीचे पहुंच चुके थे शोगी से नीचे, और भूख लग पड़ी थी अपने राजेश भाई को भी। और ये स्कोप अपना कैंपिंग का सामान ना हम लेके आए थे साथ में, ये देख लो। और भी बनाई जाएगी ठंड में गर्मा गर्म मैगी, बस हो ही रहा है समझो। और ये देसी जुगाड़ अपना, ये देखो छत, और ये मैं, और क्योंकि हवा ना हल्की हल्की बारिश भी लग रखी है। तो फाइनली दोस्तों मैगी डल चुकी है भाई अपनी। हे देखो भाई लोगों, फाइनली ना अपनी मैगी रेडी हो गई है। कैंपिंग तो करने नीचे लग गई, यो साले है नीचे लग गई, वाह 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 हो गया था काम इधर। और फाइनली देखो ना, एक्चुअली बात ऐसी होती है कि मैगी तो हम बाहर दुकान पे भी खा सकते थे, बट अपनी बना के खाने का ना मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि उस चीज़ को आप फील नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो क्या मज़ा यार भाई लोगों। वही है, ये देखो दो चार मैगी ना और लेनी चाहिए हमें, क्यों ज़्यादा मज़ा आना था रात का जुगाड़ कर लो। रात होगी तो रात का फिलहाल मैगी वगैरह खा के ना एकदम पेट पूजा फुल हो गई है। और अब निकलेंगे यहाँ से अपने वर्क स्टेशन की ओर। तो इस वीडियो को ना यही पे एंड करता हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना, नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों रेश भाई, बिल्कुल आया ना मज़ा, फुल मज़ा, फुल मज़ा, फुल पैसा फजूल। और पायलट अपना तैयार हो गया, और तो अब निकलेंगे यहाँ से वर्क स्टेशन की ओर। तो मिलूंगा बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।